एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम रीडिंग करने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, डिटेल में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, कलेक्टिव लेवल पर है। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या बातचीत हो रही है या कोई भी कंफ्यूजन है रिलेशनशिप को लेकर, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जितने समय बाद भी आपके सामने आएगी इस रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर करेंगे। ओके, तो चलिए हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी कोशिश करेगा आपकी तरफ बढ़ने की। ओके, क्योंकि सिचुएशन जो भी हो, इसके पास आपके सिवा कोई एक भी ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कहते हैं ना, खुशी का सहारा हो, एकमात्र सहारा। ठीक है, हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आपकी ना के बराबर बात हो रही हो, ये भी हो सकता है। बात हो रही है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर बात होती है, तो या तो झगड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों अपनी बात को, अपने रिलेशनशिप को क्लियर नहीं कर पा रहे। आप सवाल पूछते हैं, आपके पार्टनर नहीं देते सवाल का जवाब, आपके पार्टनर सवाल करते हैं और आप जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा ऐसा नहीं है कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें सही की हैं, मुझे ऐसा लगता है आपने भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट की है। कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्ते में अपने आप को सिर्फ सही समझते हैं, पार्टनर को गलत समझते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस चीज़ की तरफ ध्यान दें जो गलती आपसे हुई है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपसे भी कुछ ना कुछ छोटी बड़ी तो गलती हुई होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, जो आपका पार्टनर है, ये हमें अब कोशिश करेगा कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है वो इन्वॉल्व ना हो। थर्ड पार्टी फाइनेंस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, अब इस रिश्ते के आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि लोग बोलते रहें, बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चाहे कोई भी हो, चाहे सोसाइटी हो, समाज हो, या आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ नहीं थी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम सोचते रह जाते हैं कि अरे इस पर्सन की तरफ एक्शन ले भी ना लें, किस तरीके से चीज़ें ठीक करें। वो सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर यहाँ पे धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जीज आपकी तरफ से हो, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस करें।
अब जब रीयूनियन हो इस रिश्ते में तो कुछ नेगेटिव चीज़ें ना आए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी एफर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है, इसका एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बात करते हैं आपके रिश्ते के बारे में, उसमें अब आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सन खुद आपके रिश्ते में एफ़र्ट्स लेगा, आपकी तरफ पढ़ने के एफ़र्ट्स लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई एफ़र्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आपके पास आएगा पर्सन। इसके अलावा इसके पास आपके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इसकी बात सुनता हो, इसकी बात को अंडरस्टैंड करता हो, इसको कहते हैं ना ये पर्सन एक तरीके से रोशनी बन के आपकी ज़िंदगी, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है। आपके सिवा इस पर्सन का कोई सहारा नहीं है। इसके अब ये एनर्जीज हो गई, ये बहुत जल्दी आपके साथ टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जितना दुख आपको है ना इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, उतना ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी है। तो कृपया करके ऐसा ना सोचें कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पूरी तरह से आपसे मिलने की, बातचीत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है इस रिश्ते में ना। मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके बिना उदास और परेशान होते हुए दिख रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी के ये पर्सन हद से ज़्यादा मिस कर रहा है बाबू। ओके, देखते हैं क्या कार्ड आया है। लाइट, इस पर्सन की ज़िंदगी में एकमात्र आप ऐसे पर्सन हो जिसको, जिसके बारे में सोच कर ही इसको सुकून मिलता है। आप इसको बहुत ज़्यादा केयर देते हो, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, इसकी बात को सुनते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने आकर बच्चों जैसी हरकत करता होगा, या बहुत ज़्यादा बचपना होगा, आप उन सब चीज़ों को डील करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको आपके अंदर अपनी पूरी दुनिया दिखती है, ठीक है। शायद इसी वजह से आपके पास है ग्रेटिट्यूड। ऊपर वाले को ये पर्सन हमेशा ग्रेटिट्यूड देता है, थैंक यू बोलता है कि